राशन डिपो धारक एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में लोहारू के खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय में खंड के सभी डिपो धारकों की एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। उन्होंने बैठक में मौजूद सभी राशन डिपो धारकों को अपने हकों के लिए एकजुट होने का आह्वान किया तथा वे उक्त मांगों के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ज्ञापन भी भेज चुके हैं। पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया कि हम दिन रात काम करते हैं, लेकिन हमारा मानदेय बिल्कुल कम है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार सभी डिपो होल्डर्स को सरकारी कर्मचारी घोषित कर न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं करती तो 1 फरवरी से सभी POS मशीनें बंद कर दी जाएंगी। और हमने काफी समय से कांग्रेस की सरकार थी तब से हम मांग करते आ रहे हैं कि हमारे या तो हमें सैलरी दी जाए या हमारा कमीशन बढ़ाया जाए। हम बार बार CM साहब को भी दे चुके हैं, कांग्रेस टाइम में भी दिया, आप भी दे रहे हैं। कल भी हमने भी CM साहब को DC के माध्यम से हमारी जो मांग पत्र है वो भी दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या एक एक छोटा सा कर्मचारी होता है जो 4th क्लास का होता है, हम उसी योग्य भी नहीं है। हम दिन रात काम करते हैं। सरकार ने जो राशन वितरण जो ये प्रणाली लागू की है 2016 से, हम उसका पूरा तय दिल से सहयोग कर रहे हैं। इससे कम हमारा 25,000 रुपये या 35,000 रुपये मानदेय बढ़ा दे तो हम सरकार की तरफ पूरा सहयोग देंगे। आगे आने वाले समय में भी जब भी सरकार चुनाव में होगी तो हम उसका पूरा सहयोग देंगे। POS मशीन जो है इसको आगामी 1 फरवरी से मशीन बंद कर देंगे और एक ऐसा ठोस कदम उठाएंगे कि हम कोर्ट हाई कोर्ट में जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे।